इस किताब का नाम है सुपर थिंकिंग द बिग बुक ऑफ मेंटल मॉडल्स। इस बुक के लेखक का नाम गैब्रियल वेबर एंड लोरेन कर्न है। इंट्रोडक्शन। क्रिटिकल मास न्यूक्लियर फिजिक्स की एक थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से एक एक्सप्लोजन रिएक्शन के लिए कुछ न्यूक्लियर मटेरियल के मास की जरूरत होती है। एटॉमिक बम के बनने के बाद ये कॉन्सेप्ट काफी मशहूर हो गया था। बाद में जाकर कुछ सोशल साइंटिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स को ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट काफी काम का है। एक पार्टी में क्रिटिकल मास होता है, उसमें तभी मजा आता है जब उसमें काफी लोग हों। कंज्यूम गुड्स में भी क्रिटिकल मास होता है। वो मैक्सिमम प्रॉफिट पर तभी पहुंच पाते हैं जब वो कुछ लिमिटेड यूनिट्स बेच देते हैं। क्रिटिकल मास जैसे कॉन्सेप्ट कई फील्ड्स में अप्लाई होते हैं। ये आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मेंटल मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल्स उन इवेंट्स पर बेस्ड हैं जो हिस्ट्री में होते आए हैं। ये लोगों और ग्रुप्स के बिहेवियर का अंदाजा लगाने के सटीक तरीके हैं। ये समरी आपको कई तरह के मेंटल मॉडल्स से रूबरू कराएगी। इनमें से कुछ कॉम्पिटिशन्स में काम आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए काफी बेहतर साबित हुए हैं। आप कुछ ऐसे जनरल मॉडल्स भी सीखेंगे जो आपको लाइफ के जरूरी फैसलों को लेने में मदद करेंगे। आप गलतियों को कम करने के साथ साथ अपने वक्त और पैसे को कैसे बचाया जाए इस बारे में भी सीखेंगे। हम जानते हैं कि अच्छे और सही फैसले लेने के लिए सालों के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन एक्सपीरियंस इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये आपको कुछ नए मेंटल मॉडल्स के करीब ले जाते हैं। ये समरी कुछ ऐसे ही मेंटल मॉडल्स पेश करेगी जो आपके जिंदगी भर काम आएंगे। बीइंग रंगलेस। आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट में फैसले लेते हैं। ये सिंपल चीजों को सिलेक्ट करना भी हो सकता है, जैसे आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हैं। अपनी एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और करियर के बारे में फैसला लेना इससे ज्यादा मुश्किल होता है। आपके फैसलों का क्या नतीजा होगा इसके बावजूद आप हमेशा सही फैसला ही लेना चाहते हैं। कभी कभी एक बेस्ट फैसला लेने के रास्ते में सबसे बुरे या गलत फैसलों से बचना भी शामिल हो सकता है। यहीं पर इनवर्स थिंकिंग का मेंटल मॉडल काम आ सकता है। सोचिए कि आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर ये सोचिए कि आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट कैसे करेंगे। इन्वेस्टिंग का ही एग्जांपल ले लीजिए। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। इसका बिल्कुल इन्वर्स यानी उल्टा ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें पैसे डूबने का सबसे कम रिस्क है। इन्वर्स थिंकिंग डाइटिंग पर भी अप्लाई हो सकता है। बेस डाइट का मतलब है सिर्फ हेल्दी फूड खाना, लेकिन इसका इन्वर्स है अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना। एक शेफ और एक कुक के बीच बहुत फर्क होता है। एक कुक खाना बनाने के लिए रेसिपीज को फॉलो करता है। एक शेफ इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के बाद उन्हें परफेक्ट तरीके से जोड़ता है। उसे एक लाजवाब डिश तैयार करने के लिए किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एक शेफ ये समझता है कि खाने में जायका कैसे लेकर आना है। दूसरी तरफ एक कुक सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जानता है। एक असली शेफ ही खाना बनाने में अच्छे फैसले ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कुकिंग के आर्ट के बेसिक्स को बखूबी जानता है। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो आपको फंडामेंटल फैक्ट्स को समझने की जरूरत होती है। आपको आर्ग्यूइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी जिन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान प्रोफेशनल्स भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इलोन मस्क का ही एग्जांपल ले लीजिए, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है के फाउंडर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कॉस्ट को कम करना। बैटरी पार्क्स उनके सबसे बड़े खर्चों में से एक है। इनका खर्चा $600 पर किलोवाट आवर बिजली तक जा सकता है। कई कंपनियों ने ये माना कि बैटरी पार्क्स अपने नेचर की वजह से महंगे होते हैं, लेकिन मस्क इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने बैटरी में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को ध्यान में रखकर आर्ग्यू फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। इन मटेरियल्स में कार्बन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कुछ पॉलिमर्स शामिल हैं। मस्क को पता चला कि एक बैटरी के मटेरियल की कॉस्ट लगभग $80 पर किलोवाट आवर है, बाकी $520 बैटरी को असेंबल करने की कॉस्ट है। असेंबली की कॉस्ट को कई तरीके से कम किया जा सकता है। इस डिस्कवरी की वजह से टेस्ला को दूसरे कंपेटिटर्स के मुकाबले काफी एडवांटेज मिला। लेकिन मस्क ने जिस सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया उसके बिना ऐसा कर पाना नामुमकिन था। फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम का एक मेंटल मॉडल होता है। इसका मतलब एक ऑब्जर्वर यानी देखने वाले को ये दुनिया कैसी दिखाई देती है।
जैसे जब आप ट्रेन में होते हैं तो आपको कोई भी बैग या सीट चलती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर से देखने वाले शख्स को ये सभी चीजें तेजी से दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ ट्रेन में बैठे आदमी और बाहर खड़े आदमी दोनों के अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लिए नया नहीं है। दुनिया को देखने का आपका तरीका लॉजिकल नहीं है, आपके थॉट्स और इमोशंस इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फ्रेमिंग नाम के एक जाल में फंस सकते हैं। ये तब होता है जब कोई बहुत ही कन्विंसिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक आइडिया को प्रेजेंट करता है। जैसे उस एम्प्लॉई के बारे में सोचिए जो एक महंगे बजट वाले प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी से पास करवाना चाहता है। अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही उसके कॉस्ट की बात करेगा तो ये प्रोजेक्ट वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बजाय वो प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह फ्रेम कर सकता है जिससे वो यूनिक लगे। एम्प्लॉई ये दिखा सकता है कि इससे कंपनी के कंपेटिटर्स की इमेज कमजोर पड़ सकती है, अब इस प्रोजेक्ट के पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। जब भी आप कोई नया आइडिया सुनते हैं तो थोड़ा रुककर उसके बारे में सोचिए, क्या आप फ्रेमिंग की वजह से उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं? उस आइडिया को स्टडी करने के लिए दूसरे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं? ऐसी सोच रखने से आपको बेहतर और ज्यादा लॉजिकल फैसले लेने में मदद मिलेगी। हमारे ज्यादातर फैसलों में लोग शामिल होते हैं, हमें उनके एक्शन के लिए उन्हें जज करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। एक मेंटल मॉडल जो बहुत नुकसानदायक हो सकता है वो है फंडामेंटल अट्रीब्यूशन एरर पूर्णविराम। इसका मतलब ऐसा मानना है कि लोग जैसे चाहते हैं वैसे ही काम करते हैं या उनके एक्शन भी वैसे ही होते हैं। अब रोड पर गाड़ी चलाते एक लापरवाह ड्राइवर को ही ले लीजिए। आप हमेशा यही सोचते होंगे कि ऐसे लोग पागल और अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन क्या पता वो एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जल्दी में हो। इस केस में आपने ड्राइवर को अनफेयर तरीके से जज किया होगा। सेल्फ सर्विंग बायस भी ऐसा ही एक मेंटल मॉडल है। इसमें हम अपनी गलतियों को सही या जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। जैसे आप रोड के रूल्स तोड़ने के लिए खुद को कभी ब्लेम नहीं करते। सोचिए कि आप स्पीड लिमिट क्रॉस रहे हैं या किसी गाड़ी को रिस्की तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं। आप ये कहकर अपने बिहेवियर को सही ठहराएंगे कि ट्रैफिक के रूल्स पुराने हो गए हैं या दूसरे ड्राइवर बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं। फंडामेंटल अट्रीब्यूशन एरर और सेल्फ सर्विंग बायस को अवॉइड करने की कोशिश करें। ये आपसे आपकी गलतियां छुपाते हैं, ये आपको दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए भी मजबूर करते हैं। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल। आप जो फैसले लेते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा या अंजाम तो होता ही है। हम अपनी चॉइस से लिए गए सभी फैसलों के रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी इसका असर अनइंटेंडेड मतलब गैर इरादतन भी होता है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। कुछ मेंटल मॉडल्स हैं जो आपको अनइंटेंडेड नेगेटिव नतीजों को अवॉइड करने में मदद कर सकते हैं। द बोस्टन कॉमन अस का एक पार्क है, लेकिन 1630 के आसपास ये घास के एक खुले मैदान की तरह था। उस वक्त कॉमन उस जगह को कहा जाता था जहां किसान अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे। बोस्टन कॉमन से सिर्फ 200 गायों का ही पेट भर सकता था। इससे ज्यादा के लिए घास को दोबारा वापस आने का वक्त ही नहीं मिलता था। आमतौर पर अपनी गायों का पेट भरने की ड्यूटी किसानों की होती है। यही वजह है जिससे खेतों में ज्यादा जानवर नहीं रखे जा सकते। लेकिन बोस्टन के किसानों को खाने के बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी गायों को सीधा कॉमन ले जाते थे। इसी वजह से अमीर परिवारों ने और गायों को खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ सालों में ही बोस्टन कॉमन एक खाली जमीन बनकर रह गई। इस घटना की वजह से ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स नाम का एक मेंटल मॉडल बना। जब लोग लिमिटेड रिसोर्स को शेयर करने लगते हैं तो वो उसे हद से ज्यादा यूज करके नष्ट या खत्म कर देते हैं। कई देशों में मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की वजह से जूझ रहा है। फिशिंग बोट जितनी मर्जी उतनी मछलियां पकड़ते हैं, मछुआरे सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाना चाहते हैं। लेकिन इस वजह से अनइंटेंडेड परिणाम के रूप में ये मछलियों की आबादी को खत्म कर रहा है। अब ओवरफिशिंग यानी हद से ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से कई देशों की फिशिंग इंडस्ट्रीज फेल हो रही हैं। अनइंटेंडेड नतीजे अक्सर तब आते हैं जब लोग कोई रिस्क लेते हैं। मॉरल हैजर्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि लोग रिस्क तभी लेते हैं जब वो प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है उनके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता वो रिस्क लेने से डरते हैं। मॉरल हजर्ड्स तब भी होते हैं जब आप किसी दूसरे इंसान के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, बिल्कुल एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह। उनका काम है आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स करना, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसीजन आपके पैसों के इस्तेमाल से किया जाता है। इसलिए एडवाइजर्स रिस्क लेते हैं ताकि उनका पैसा अनइंटेंडेड नतीजों की वजह से डूब ना जाए। ये एग्जांपल प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के बारे में भी बताता है। फाइनेंशियल एडवाइजर एक एजेंट है और आप प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम तब आती है जब एक एजेंट प्रिंसिपल की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। जैसे पॉलिटिशियन उन लोगों के लिए शायद ही कुछ अच्छा करते हैं जो उन्हें वोट देते हैं। कई प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होती है। ऐसा तब होता है जब दोनों पार्टीज के पास सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए जिस पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत फैसले ले लेती है। लेकिन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के खतरे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स से कहीं बढ़कर हैं। कुछ केसेस में तो ये पूरे बिजनेस सेक्टर को ही डुबा सकती है। यूज्ड कार्स यानी इस्तेमाल की गई पुरानी गाड़ियों के एक सेल्समैन का ही एग्जांपल ले लीजिए। कुछ यूज्ड कार्स ऐसी भी होती हैं जो अच्छे से मेंटेन होती हैं। कुछ टूटी फूटी और खराब हालत में होती हैं। सलाहकार गाड़ी की कुलिती के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन बायर्स को इस बारे में कुछ खबर नहीं होती। अब अगर आप एक बायर हैं तो आपको लगता है कि सेलर आपको खराब गाड़ी देगा, इसलिए आप पुरानी गाड़ियों के लिए कम से कम प्राइस देने की कोशिश करते हैं। ऐसे मार्केट में अच्छी गाड़ियों को बेचना प्रॉफिटेबल नहीं होता, इसलिए आखिरकार मार्केट में वही सेलर्स टिक पाते हैं जिनके पास खराब गाड़ियां होती हैं। अगर सेलर अपनी गाड़ियों की क्वालिटी को लेकर ईमानदार हो जाए तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। खुद के लिए टारगेट सेट करना अच्छा होता है, लेकिन दूसरे लोगों को गोल्स देने के नुकसानदायक अनइंटेंडेड नतीजे भी हो सकते हैं। ऐसा ही एग्जांपल 1900 के शुरुआती वक्त में सोवियत यूनियन में देखा गया था। उस देश ने टाई, कील और कपड़े बनाने का गोल सेट किया। उसके बाद अलग अलग फैक्ट्रियों को उस टारगेट को उस साल में पूरा करने के लिए कहा गया, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कपड़ों के मैन्युफैक्चरर्स को 10,000 यार्ड कपड़ा बनाने के लिए कहा था। फैक्ट्रीज ने ढीले ढाले बुने हुए और लो क्वालिटी का कपड़ा बनाया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने फैब्रिक का एक फिक्स्ड वेट बनाने का टारगेट भी सेट किया। तो फैक्ट्रीज ने इतना मोटा, रफ और भारी मटेरियल बनाया जिसका मुश्किल से इस्तेमाल किया जा सकता था। फैक्ट्रीज कम से कम एफर्ट में अपना गोल अचीव करना चाहती थी, इसलिए आखिर में उनके प्रोडक्ट लो क्वालिटी के ही बनते थे। इस घटना को गुदहास लॉ कहते हैं। जब आप परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक टारगेट सेट करते हैं तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए लोग धोखा देने लगते हैं। कुछ केस में आप लोगों को रिवॉर्ड देकर परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसका एक एग्जांपल उस वक्त का इंडिया है जब वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इंडिया में कोबरा की बड़ी पॉपुलेशन ने ब्रिटिश लोगों की नाक में दम किया हुआ था। इसका सलूशन निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कोबरा को मारने वाले हर इंसान को पैसा ऑफर करती थी। इसलिए कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोबरा को पालना और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा क्योंकि कोबरा की पॉपुलेशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों को रिवॉर्ड देकर प्रॉब्लम को बिगाड़ना अब कोबरा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। स्पेंड योर टाइम वाइजली। उर्सा माइनर नाम के कॉन्स्टेलेशन में पोलारिस सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर स्थित है। पुराने जमाने में एक्सप्लोरर्स पोलारिस की तरफ देखकर अपनी लोकेशन ढूंढ लेते थे। अगर वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहते थे तो वो इस तारे को फॉलो करते थे। इसी वजह से पोलारिस को नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता था। लाइफ अनगिनत डिस्ट्रक्शन से भरी होती है। बेकार की चीजों पर अपना टाइम और एफर्ट जाया करना बहुत आसान होता है, इसलिए खुद को गाइड करने के लिए आपको भी नॉर्थ स्टार की जरूरत पड़ेगी। ये कोई भी लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नॉर्थ स्टार जल्दी रिटायर होना होता है, जिसके लिए वो बहुत सा पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इस दुनिया से भूखमरी खत्म करने जैसे चैलेंजिंग गोल भी चुन सकते हैं। नॉर्थ स्टार का मकसद है आपको काम करने के लिए कोई लक्ष्य या मकसद देना। लोग अक्सर वक्त के साथ अपने गोल्स बदल देते हैं। जब मिलने, बचा होने और एक इंसान के रूप में ग्रो करने से आपका नॉर्थ स्टार इवॉल्व यानी डेवलप भी हो सकता है।
इसलिए एक गोल होने से आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है, जिससे आपका वक्त भी कम जाया होता है। अच्छा नॉर्थ स्टार होने से आपको टू फ्रंट वॉर्स लड़ने से बचने में भी मदद मिलती है। इस टर्म का जन्म वर्ल्ड वॉर दो के दौरान हुआ था। जर्मनी वेस्ट में यूरोप के साथ और ईस्ट में रूस के साथ जंग लड़ रहा था, इसलिए जर्मन्स ना साइड से और ना ही फ्रंट यानी आगे से अच्छे से लड़ पा रहे थे। आखिरकार वो दोनों जंग हार गए। जब आप दो प्रॉब्लम को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों को ही ठीक से सोल्व नहीं कर पाते। फिर भी हम इसे रोज मल्टीटास्किंग का नाम देकर करते रहते हैं। कभी कभी एक काम को बुरे तरीके से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टीवी देखते हुए कपड़े समेटना। लेकिन जरूरी टास्क को लेकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेंटल मॉडल अक्सर बिजनेस में भी देखा जाता है। रिटेल स्टोर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। असमें वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसे कई सस्ते सुपरमार्केट हैं। वेगमैन्स जैसे कुछ ऐसे भी रिटेलर्स हैं, जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आंप एक ऐसा स्टोर है जो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करता है। फिलहाल आंप सस्ते और हाई एंड स्टोर्स के खिलाफ टू फ्रंट वो हार रहा है। एक वक्त में एक टास्क को चुनना मुश्किल हो सकता है। आइजनहावर्स डिसीजन मैट्रिक्स एक ऐसा मेंटल मॉडल है जो इन फैसलों को थोड़ा आसान बना देता है। ये सभी ड्यूटीज को उनकी इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी यानी जिसे तुरंत करने की जरूरत हो के हिसाब से चार कैटेगरी में बांट देता है। कैटेगरी एक में सबसे इम्पोर्टेंट और हाई अर्जेंसी वाले टास्क आते हैं। इसमें मेडिकल इमरजेंसी से लेकर काम की डेडलाइन आती है। कैटेगरी दो में हाई इम्पोर्टेंस होती है लेकिन लो अर्जेंसी होती है। ऐसे टास्क के एग्जाम्पल हैं कोई नया स्किल सीखना या बिजनेस रिलेशनशिप बनाना। कैटेगरी तीन में ऐसे काम आते हैं जिनकी लो इम्पोर्टेंस के साथ हाई अर्जेंसी होती है। इसमें ज्यादातर इवेंट्स और पार्टीज आती हैं, लेकिन इनके अलावा ऑफिस में होने वाले छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं। आखिर में कैटेगरी चार में लो इम्पोर्टेंस और लो अर्जेंसी वाले काम आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कपड़े चूज करना और टेक्स का जवाब देना। सबसे अच्छा होता है कैटेगरी एक का काम खत्म करने के बाद कैटेगरी दो की ओर बढ़ना, कैटेगरी दो को पूरा करने के बाद कैटेगरी तीन की तरफ जाए। लेकिन ज्यादातर हम इस ऑर्डर को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। लोग कैटेगरी एक और दो से ज्यादा इम्पोर्टेंस कैटेगरी तीन और चार को देते हैं। आइजनहावर्स डिसीजन मैट्रिक्स को फॉलो करने से आपको इन गलतियों से बचने में मदद मिलती है। काम के लिए वक्त का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब रुकना है। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बताता है कि जब हम किसी काम में एक एक्स्ट्रा घंटे का एफर्ट लगाते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो एक पॉइंट पर आकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते रहना बेकार हो जाता है। एक बार एक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट फर्म ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को स्टडी किया, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है। परफॉर्मेंस फर्म को पता चला कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की हर रिपोर्ट 5 बार रिवाइज की गई थी, लेकिन दो एंडी ड्राफ्ट के बाद रिपोर्ट में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। इसका मतलब हाई की आखिर के 3 रिविजन्स प्रैक्टिकली यूजलेस थे। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में जानने से काफी वक्त बच सकता था। कभी कभी रिविजन्स से आप किसी प्रोजेक्ट को बचा नहीं सकते। आपको इसे पूरे तरीके से रोकना होगा। लेकिन लोगों को ऐसी चीज को बंद करना पसंद नहीं होता है जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की होती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फेल हो रहा है उस पर सिर्फ इसलिए काम करते रहना क्योंकि आपने उस पर कड़ी मेहनत की थी, संक कॉस्ट फलसी कहलाता है। संक कॉस्ट फलसी हमारी पर्सनल लाइफ पर नेगेटिव असर डालता है। जैसे खराब होने के बावजूद किसी बुक या मूवी को पूरा पढ़ना या देखना या ठीक करने की कोशिश करते हुए एक नाखुश रिश्ते या करियर में बने रहना। डिसीजंस जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो आप उसके अच्छे और बुरे नतीजों के बारे में सोचते हैं। इन सभी नतीजों को डिटेल में लिखना प्रो कॉन लिस्ट कहलाता है। ये लिस्ट डिसीजन मेकिंग का सबसे बेसिक लेवल है। प्रोस का मतलब है अच्छी चीजें और आपके फैसलों के नेगेटिव रिजल्ट्स को कॉन्स कहते हैं। किसी नए फैसले के प्रोस के बारे में सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन कॉन्स ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। इसे ग्रासेस ग्रीन इफेक्ट कहते हैं। इस बुक के ऑथर गैब्रियल वेनबर्ग एग्जाम्पल लेते हैं। 2000 में कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों बाद उन्होंने एक ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के बारे में सोचा जिसका काम दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है। इस चॉइस के प्रोस सॉफ्ट है।
गैब्रियल को इन्वेटर्स के साथ काम करने का मौका मिलता और ये एक लो स्ट्रेस वाला जॉब होने के साथ साथ हाई इनकम जॉब भी था। उस वक्त उन्हें कोई इसमें कोई कंस नजर नहीं आए, लेकिन कुछ सालों तक इसे ट्राई करने के बाद प्रॉब्लम साफ नजर आने लगी। गैब्रियल को इतना सोशलाइज करना पड़ता था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। उन्होंने जितने बिजनेसेस के साथ काम किया उनमें से ज्यादातर अनइंस्पायरिंग और नॉन प्रॉफिटेबल ही थे। आप प्रो कॉन लिस्ट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बदलकर इसे बेहतर बना सकते हैं। इसे करने के लिए आपको सभी प्रोस और कॉन्स को पैसे की वैल्यू देनी होगी। ऐसा करने से आप उन्हें आसानी से कंपेयर कर पाएंगे और साथ ही बेस्ट चॉइस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक घर खरीदने के बारे में सोचिए। आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे पहले आपके आने वाले शुरुआती एक्सपेंसेस के बारे में सोचेगा, जैसे घर की डाउन पेमेंट, फर्नीचर का कॉस्ट वगैरह वगैरह। फिर आपको टैक्स और मेंटेनेंस जैसे लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में भी सोचना होगा। आपका मेन बेनिफिट घर की वो वैल्यू होगी जब आप उसे बेचेंगे। ऐसे ही एक जगह को रेंट पर देने के कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट कीजिए। अब आप ऐसे कुछ प्रोस और कंस को देखना शुरू करेंगे जिन्हें पैसों में नहीं तोला जा सकता। जैसे लैंडलॉर्ड के साथ माथापच्ची ना करना एक बेनिफिट है, लेकिन एक जगह का ओनर बनने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए। ऐसे कुछ बेनिफिट्स के लिए भी आप एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने की कोशिश करें जो आपको इससे मिलने वाले कम्फर्ट के बराबर है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा करने से आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि इससे आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेहतर होगा। इसके अलावा फाइनल चॉइस से पहले आपको हमेशा अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों की बात करनी चाहिए। वो आपको ऐसे कई हिडन कॉस्ट यानी छुपे हुए खर्चे दिखाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। घर लेने जैसे बड़े फैसले में तो ये बात काफी कारगर साबित हुई है। जब भी आप जरूरी फैसले लें, ब्लैक स्वान इवेंट्स से सावधान रहें। ये कुछ ऐसी अनलिकली यानी बहुत कम होने वाली सिचुएशंस हैं, जिनकी वजह से आपको बड़ा खर्च चुकाना पड़ सकता है। इसका एक एग्जांपल है अपने घर की वायरिंग को बदलना। मान लीजिए आप उस इलेक्ट्रिशियन को कॉन्टेक्ट करते हैं जिसने आपके घर में तब वायरिंग की थी जब वो बन रहा था। वो आपको $3,000 का एस्टिमेट देता है, लेकिन आपके घर के पास रहने वाला दूसरा इलेक्ट्रिशियन आपको $2,000 का रेट ऑफर करता है। सस्ते इलेक्ट्रिशियन को कम एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि वो छोटी मोटी गलतियां करता रहता है, यहाँ तक कि अगर आप उसे $500 दें तो उसे हायर करना एक बेहतर फैसला होगा। लेकिन सोचिए अगर इस नए इलेक्ट्रिशियन की वजह से आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ऐसी गलती आपको $3,000 से कहीं ज्यादा महंगी पड़ेगी। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। पहले वाला इलेक्ट्रिशियन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि वो सिस्टम को जानता है। आपको इस ब्लैक स्वान इवेंट को ध्यान में रखकर अपनी चॉइस करनी चाहिए। दूसरी तरफ चेकलीज प्रिंसिपल केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी आप टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने जैसे कुछ बदलाव करते हैं तो ये उस सिस्टम के रिस्पॉन्स का अंदाजा लगाता है। चेकलीज प्रिंसिपल ये बताता है कि सिस्टम बदलाव को रिजिस्ट यानी रोकने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में ये पहले वाली कंडीशन से बदलकर एक नई कंडीशन में आ जाता है। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी को ही ले लीजिए। ज्यादातर टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट की इनकम इतनी नहीं बढ़ती जितना उम्मीद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स बचाने के लिए लोग अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स यानी खर्च करने की आदत को बदल लेते हैं। जब आप फाइनली एक फैसला कर लेते हैं तो एक बिजनेस केस लिखिए। ये उस फैसले के पीछे की वजहों को समराइज करता है जो आपने लिया था। ये एक पन्ने का छोटा सा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या फिर एक लंबी और डिटेल्ड रिपोर्ट भी। बिजनेस केस लिखने का फायदा ये है कि ये आपको आपके थिंकिंग प्रोसेस पर दोबारा जाने के लिए मजबूर कर देता है। ये कुछ ऐसी डिटेल्स का खुलासा कर सकता है जो आपने शुरुआत में मिस कर दी थी। इसके अलावा आप फीडबैक के लिए अपने बिजनेस केस को दूसरों के सामने रख सकते हैं। उन्हें सारी चीजें बोलकर बताने ये तरीका कहीं बेहतर है। डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े या कंपटीशन के माहौल में फैसले लेना सबसे खराब होता है। इन्हें एडवर्सरियल यानी विरोध करने वाली सिचुएशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े कहते हैं। इन एडवर्सरियल सिचुएशंस में फैसले लेने के साइंस को गेम थ्योरी कहते हैं। इस फील्ड के रिसर्चर्स ने कई काम के मेंटल मॉडल्स ढूंढ निकाले हैं। झगड़े के सिचुएशन में आप चाहते हैं कि दूसरे लोग ऐसे बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं। ये रेसिप्रोसिटी नाम के मेंटल मॉडल से हासिल किया जा सकता है।
रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल कहता है कि लोग आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें ट्रीट करते हैं। एक स्टडी ने ये मेजर किया कि एक रेस्टोरेंट में कस्टमर्स अपने वेटर को कैसे टिप देते हैं। अगर वेटर कस्टमर को एक छोटा सा गिफ्ट देता है तो इसके चांसेस ज्यादा है कि कस्टमर उनके लिए टिप छोड़कर जाएगा। इस स्टडी में ये गिफ्ट था मिंट की गोलियां। एक मिंट में टिप को लगभग 3% बढ़ा दिया था। दो मिंट ने इसे बढ़ाकर 14% तक कर दिया। कुछ वेटर्स ने दो मिंट दी और फिर तीसरी देने के लिए वापस आए। ऐसा करने से कस्टमर को स्पेशल महसूस हुआ और उनका टिपिंग रेट 23% बढ़ गया। सोशल प्रूफ दूसरा मेंटल मॉडल है जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। इसके हिसाब से लोग दूसरों को ये देखने के लिए रिफर करते हैं कि उनके लिए ये एक्शन सही है या गलत। अगर सभी लोग एक तरह का एक्शन लेते हैं तो उससे प्रूव होता है कि उनकी एक्टिविटी सही है। सोशल प्रूफ ही है जो उस ट्रेंड को आगे ले जाता है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। लोग अलग अलग तरह के खाने, फैशन या म्यूजिक को तब ट्राई करते हैं जब बाकी लोग इसे ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को सोशल प्रूफ के तौर पर उन्हें फॉलो करने के लिए दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानना कि बहुत से लोग एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं काफी होता है। आपने कई होटल में अपने तौल को रियूज यानी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मैसेज देखा होगा। वो कहते हैं कि आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को बचाते हैं। लेकिन ये मैसेज इतना इफेक्टिव नहीं है, बल्कि एक होटल ने तो ये तक लिखा था कि बाकी सभी गेस्ट ने अपने तौल्स को रियूज किया है। इस सोशल प्रूफ मैसेज ने तौल के रियूज को 25% बढ़ा दिया था। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक और टेक्निक है करट एंड स्टिक मॉडल। आमतौर पर हम अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड्स और बुरे बिहेवियर के लिए सजा देते हैं। करट एंड स्टिक मॉडल ज्यादा कन्विंसिंग इसलिए है क्योंकि ये एक ही वक्त में दोनों देता है। ऑपरेशन सीज़फ़ेयर एक ऐसा करट एंड स्टिक मॉडल था जिसे बस्टन में इस्तेमाल किया गया था। गैंग वायलेंस को कम करने के लिए पुलिस एक असरदार प्रोग्राम ढूंढ रही थी। यहाँ गैंग मेंबर्स को दी जाने वाली लंबी और कठोर जेल की सजा स्टिक थी। गैंग को छोड़ने वाले आदमी को गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला सपोर्ट था करट। इसके साथ साथ उन्हें जॉब ट्रेनिंग, मेंटरिंग और एक छोटी सी मंथली पेमेंट भी दी जाती। बस्टन में ऑपरेशन सीज़फ़ेयर की कामयाबी के बाद कई शहरों ने ऐसे ही मॉडल बनाए। उनमें से कई तो गन वायलेंस को 60% तक कम करने में कामयाब भी रहे थे। ये मॉडल घर में भी अप्लाई किया जा सकता है। सोचिए कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सब्जी खाएं। आप उनका फोन वापस लेकर उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन साथ ही एक टेस्टी डिजर्ट जैसा रिवॉर्ड देकर इसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। करेक्ट एंड स्टिक मॉडल में आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। कभी कभी लोगों के लिए करत को नजरअंदाज करना और स्टिक लेना काफी आसान होता है। कॉर्पोरेट फाइन इसका अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए आप एक कंपनी को एनवायरनमेंट को पलूट करने से रोकना चाहते हैं। वो इससे जुड़े फाइन को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उनके वेस्ट को मैनेज करने के मुकाबले ये सस्ता है। लाइफ की सबसे ज्यादा एडवर्सरियल सिचुएशंस आर्गुमेंट्स यानी बहस है। आप अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं। ऐसे केस में आपको स्ट्रोमैन नाम के मेंटल मॉडल से सावधान रहना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आपका अपोनेंट आपके आर्गुमेंट का जवाब देने के बजाय उसे गलत तरह से प्रेजेंट करता है। एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो एक दिन में 6 घंटे सिर्फ वीडियो गेम खेलता है। उसकी माँ उसे गेम्स खेलना बंद करके अपना होमवर्क करने के लिए कहती है। बच्चा ये कहकर जवाब देता है कि वो कभी उसे कुछ नहीं करने देती। अब ये नोटिस कीजिए कि बच्चे ने यहाँ स्ट्रोमैन का इस्तेमाल किया। उसने होमवर्क और वीडियो गेम से आर्गुमेंट को शिफ्ट किया और पेरेंटिंग की तरफ ले गया। गेम थ्योरी मेनली एडवर्सरियल सिचुएशंस को जीतने पर फोकस करती है, लेकिन कभी कभी हारना ज्यादा बेहतर होता है। ये या तो झगड़े को खत्म कर देगा या आपको लॉन्ग टर्म का फायदा देगा। ये आइडिया पिरिक विक्ट्री मेंटल मॉडल में बताया गया है। इस मॉडल का नाम ग्रीस के राजा पिरिस के नाम पर रखा गया है। उन्होंने हेराक्लिया की मशहूर लड़ाई में एक बार ग्रेट रोमन आर्मी को हराया था, लेकिन इस लड़ाई में पिरिस की सेना ने अपने कई लोगों को खो दिया था। जब रोमन्स और ज्यादा मजबूती के साथ वापस आए तो पिरिस लड़ाई हार गए। स्पोर्ट्स में पिरिक विक्ट्री मॉडल को सैक्रिफाइस का खेल के रूप में जाना जाता है। बेहतर पोजीशन पाने के लिए एक मोहरे को सैक्रिफाइस करना चेस में काफी कॉमन है। बेसबॉल में सैक्रिफाइस बंट नाम की एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा तब होता है जब तेजी से स्कोर करने के लिए ज्यादा अच्छे हित को लाने के लिए एक कमजोर बतख खुद को आउट कर देता है।
अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल। टेक स्टार्टअप कम्युनिटी 10x इंजीनियर नाम के टर्म का इस्तेमाल करती है। ये उस इंजीनियर को कहा जाता है जो अपने कलीग्स से कहीं ज्यादा काबिल होता है। वो प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी पूरा करने के साथ साथ ज्यादा इनोवेटिव डिजाइन्स भी लेकर आता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन 10x इंजीनियर्स को बहुत वैल्यू देते हैं। आमतौर पर अपनी कंपनी के लिए 10x इंजीनियर्स ढूंढना अच्छा आइडिया नहीं है। ये बहुत ही कम होते हैं और हाई सैलरी मांगते हैं। बेहतर होगा कि आप किसी और तरह के इंसान को ढूंढें। कुछ लोग दिखने में इतने इंटेलिजेंट और यूनिक नहीं लगते, लेकिन अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। इस आइडिया को 10x टीम नाम के मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है। 10x इंजीनियर ढूंढने से बजाय एक ऐसी टीम बनाएं जिसमें हर मेंबर 10x परफॉर्मेंस दे। ऐसी टीम बनाने के लिए आपको मेंबर्स को समझना होगा और उन्हें सही ड्यूटी देनी होगी। सबसे पहला स्टेप है हर मेंबर की पर्सनालिटी को समझना। एक करैक्टर के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जो है एक्सट्रोवर्शन। एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों से इंटरेक्ट करना पसंद है। इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों के साथ घुलने मिलने में घबराहट, उदासी और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इंट्रोवर्ट्स ऐसी जॉब्स के लिए सूटेबल होते हैं जिसमें लंबे वक्त के लिए अकेले काम करने की जरूरत होती है। साइंटिस्ट्स और प्रोग्रामर्स इसके अच्छे एग्जांपल हैं। दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट वाली जॉब्स के लिए सूटेबल होते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी गलत पोजीशन में डाल देंगे तो वो बहुत ही खराब परफॉर्म करेंगे। कमांडो, इन्फेंट्री और पुलिस मॉडल ऐसी चीजों को डिस्क्राइब करता है जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट मिलिट्री के आक्रमण करने के तरीके से बनाया गया है। ये तीन स्टेज में किया जाता है जिनमें इन तीनों ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। कमांडोज ऐसे इलीट फाइटर्स होते हैं जो कोई रूल्स नहीं जानते। उनका काम दुश्मनों को चौंकाकर उन्हें खत्म करना होता है। नए स्टार्टअप में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कुछ हटकर सोच सके। इसमें अग्रेसिव सेल्समैन और एक्सपेरिमेंट करने वाले इंजीनियर्स की जरूरत होती है। चाहे उनके सामने कोई भी चैलेंज आ जाए, उन्हें निडर होना चाहिए। आक्रमण का दूसरा स्टेप है प्रोग्रेस करना, यानी आगे बढ़ना। इन्फेंट्री कमांडोज से बिल्कुल उल्टी होती है, जिसमें ऐसे डिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं जो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो कंपनी सक्सेसफुली मार्केट में घुस जाती है उसे ग्रो करना चाहिए। उसे गवर्नमेंट से डील करते वक्त डिसिप्लिन रहना चाहिए। एम्प्लॉइज को एनर्जेटिक और कम्पिटिटिव होने के साथ साथ सावधान भी रहना चाहिए। जब एक आक्रमण सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद शांति लाना और उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। पुलिस लोगों से रूल्स को फॉलो करवाने और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होती है। जब कोई कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर लेती है तो वो अग्रेसिव होना बंद कर देती है। प्रॉफिट को बनाए रखने के साथ साथ उसे एक स्टेडी रेट पर ग्रो करने के लिए वर्कर्स को मदद करनी चाहिए। इस स्टेज पर आकर अकाउंटिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कमांडोज बनना सूट करता है। कुछ लोगों को पुलिस की जॉब बेहतर सूट करती है। जब आप टीम मेंबर्स को टास्क देते हैं तो उनके नेचर पर खास ध्यान दीजिए। अगर आप एक पुलिस पर्सनालिटी को एक कमांडो का काम देंगे तो वो फेल हो जाएगा। एक लीडर का काम सिर्फ सही लोगों को हायर करना ही नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके मौजूदा एम्प्लॉइज भी ग्रो और इम्प्रूव करते रहें। ये सिर्फ डिलिबरेट प्रैक्टिस से ही हासिल किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां उनकी लिमिट को टेस्ट किया जाता है। आइए प्लेग्राउंड में खेलते बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ये प्रैक्टिस डिलिबरेटली यानी जानबूझकर नहीं की जाती है, क्योंकि इस काम में कोई प्रेशर शामिल नहीं है। यहां हर कोई रिलैक्स है और कोई अपना बेस्ट नहीं दे रहा। एक मेंटर असाइन करना डिलिबरेट प्रैक्टिस को बेहतर बनाने का एक तरीका है। ये एक एक्सपीरियंस्ड शख्स होता है जो आपके एम्प्लॉइज को अच्छा फीडबैक दे सकता है। डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट ऐसे दो मॉडल से बनाया गया है जिनकी जड़ें माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है। पहला पिग्मलियन इफेक्ट है। ये एक महान मूर्तिकार पिग्मलियन के ग्रीक मिथ से आया है। ये मॉडल बताता है कि जब लीडर को अपनी टीम से ज्यादा उम्मीदें होती हैं, तो लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उनमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो वो मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। पिग्मलियन इफेक्ट का ऑपोजिट है गोलम इफेक्ट। गोलम एक पत्थर का जीव था जिसमें जान आ गई थी। लोग उसके लुक्स की वजह से उससे नफरत करते थे, इसलिए गोलम हर रोज और ज्यादा वायलेंट होने लगा।
ऐसे ही अगर आपको अपनी टीम से कम उम्मीदें होंगी तो उनके काम का स्टैंडर्ड और उनकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजर शेड्यूल वीएस मेकर शेड्यूल मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ये अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग शेड्यूल रखने के बारे में बताता है। मीटिंग या कंपनी के किसी और इवेंट के लिए टाइम फिक्स करने से पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां टास्क लगातार बदलते रहते हैं वहां मैनेजर का काफी बिजी शेड्यूल होता है। उन्हें दिन के हर अगले घंटे में एक नई ड्यूटी मिलती रहती है, इसलिए अगर एक मीटिंग का टाइम फिक्स है तो इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये उनके लिए दूसरे टास्क जैसा होता है। मेकर्स ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो नई चीजें बनाते हैं। इसमें राइटर्स, असेंबली वर्कर्स और प्रोग्रामर्स जैसे लोग आते हैं। ऐसे एम्प्लॉइज एक चीज पर घंटों काम करते रहते हैं। एक राइटर के लिए शुरुआत करने के लिए एक घंटा कुछ भी नहीं है। अगर आप दोपहर के समय मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो उनका पूरे दिन का शेड्यूल बर्बाद हो जाएगा। कंक्लूजन, पहले आपने सीखा कि जब भी आप फैसले लेते हैं उस वक्त आप गलतियों को कैसे कम करेंगे। अगर आप आर्ग्यूइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो इससे ये पक्का हो जाता है कि आपके फैसले की नींव काफी मजबूत है। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझिए और ये जानिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और का फ्रेम आपको उल्लू बना रहा है। लोगों को लेकर कोई फैसला करने से पहले फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर और सेल्फ सर्विंग बायस को अवॉइड कीजिए। दूसरा, आपने ऐसे मेंटल मॉडल्स के बारे में जाना जो आपको अनिंटेंडेड नतीजों को अवॉइड करने में मदद करते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा होने वाली प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कम करने से आप इन्हें कम कर सकते हैं। गुडहट्स लॉ और कोबरा इफेक्ट से हमें ये पता चलता है कि टारगेट सेट करने के अनिंटेंडेड नतीजे भी हो सकते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि मेंटल मॉडल्स की मदद से अपने टाइम को कैसे बढ़ाएं। एक ऐसे नॉर्थ स्टार को ढूंढ निकालें जिस पर आप हमेशा फोकस कर सकें। टू फ्रंट वॉज में अपना वक्त बर्बाद ना करें बल्कि अपने काम को कैटेगराइज करने के लिए आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स बनाएं। संक कॉस्ट फलसी का ध्यान रखिए और आपको ये पता होना चाहिए कि बेकार के प्रोजेक्ट्स को कब बंद करना है। चौथा, आपने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सीखी जो आपको बड़े फैसले लेने में मदद करती है। जब भी आप किसी बदलाव के बारे में सोचें तो ग्रास इज ग्रीन इफेक्ट से सावधान रहें। अपने प्रो कॉन लिस्ट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बदलकर उसे अपग्रेड करें। ब्लैक स्वान इवेंट्स पर ध्यान देना ना भूलें। आखिर में अपने फैसले को एक बिजनेस केस से सही या जायज जरूर ठहराइए। पांचवा, आपने एडवर्सरियल सिचुएशंस में फैसले लेना सीखा। अगर आप एक बड़ी पोजीशन पर हैं, तो करेक्ट इंस्टिंक्ट मेथड का इस्तेमाल कीजिए। दूसरों के एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए रेसिप्रोसिटी और सोशल प्रूफ के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रोमैन आर्गुमेंट्स का ध्यान रखिए और उन्हें अटेंशन देना अवॉइड कीजिए। कभी कभी अपने अपोनेंट को पिरिक जीत का मजा लेने देना बेहतर होता है। छठा, आपने लोगों के पोटेंशियल को अनलॉक करना सीखा। उन्हें वह काम दे जो वे 10x टीम बनाने के लिए अच्छे कर सके। कमांडोज, इन्फेंट्री और पुलिस मॉडल को फॉलो करते हुए उन्हें ड्यूटी दें। प्रैक्टिस के जरिए अपनी टीम के स्किल का लेवल बढ़ाइए। ये ध्यान रखिए कि मैनेजर्स और मेकर्स अलग अलग शेड्यूल में काम करते हैं। इस समय ने कई अलग अलग तरह के सिचुएशन के लिए मेंटल मॉडल सिखाए। अब आपके पास वो सब कुछ है जिसकी मदद से आप अपनी फैमिली, बिजनेस या अपनी भलाई के लिए बेस्ट फैसले ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन मॉडल्स को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको इन्हें अप्लाई भी करना होगा। इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें और अपनी दौलत और खुशियों को बढ़ते हुए देखें।